डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नाम बहुत सिंपल है, नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। क्या अंतर है? पोटेंशियल मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत तरह के पोटेंशियल होते हैं। जैसे वो बहुत अच्छा पढ़ता है, वो पोटेंशियल, जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति उतना अच्छा नहीं पढ़ता, तो उसका अपना एक पोटेंशियल है, राइट? तो हम सिंपली तरीके से इसको बहुत अच्छी तरह समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। पोटेंशियल का मतलब है कि कभी भी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू चार्ज बॉडीज हैं, टू बॉडीज लाइक एक्स और वाई। ये दो बॉडीज मैं ले लेता हूँ, दीज आर द टू बॉडीज विच हैज अ सम पोटेंशियल। जैसे मैंने बताया कि एक बहुत अच्छा पढ़ता है तो मैंने इसको दे दिया प्लस फाइव, और एक थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ता तो मैंने बोला इसको भैया प्लस थ्री, इसको मैंने थोड़े मार्क्स दे दिए। ये मार्क्स क्या है? प्लस फाइव ये है उसका वोल्टेज, क्योंकि इसकी यूनिट वोल्ट में होती है, इसलिए मैंने प्लस फाइव वोल्ट लिखा है। सिमिलरली मैंने इसको प्लस थ्री वोल्ट लिख दिया है। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए क्या है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल। देखिए द डिफरेंस इन द पोटेंशियल नाम से ही स्पष्ट है, एज द नेम इज इंप्लाइज दैट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल याद कर लीजिए, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आप इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको तो V इक्वल टू क्या करेंगे, 5 माइनस 3 दैट इज 2 वोल्ट, यह आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो बहुत समझ में आ गया अच्छी तरह से क्या है। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे ख्याल से अब चीज क्लियर है। तो क्या भैया वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप है कि डिक्रीज इन एनर्जी। देखिए कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह से उठाई और दूसरी जगह ले गया, तो क्या वो मेरी एनर्जी डिक्रीज हो गई? अब वो उठाने वाली चीज क्या है? वो है हमारा कूलाम चार्ज। इस कूलाम को उठाना है हमको, एक पॉइंट से उठाया और जा रहा हूं मैं आके यहां पे छोड़ दिया, तो मेरी एनर्जी जो डिक्रीज हुई है वही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप कैसे बनाएंगे? द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज इन एनर्जी इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ वन कूलम। ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ वन कूलम, कितना चार्ज होना चाहिए? वन कूलम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप। इसका यूनिट क्या होता है भैया? यूनिट होता है वोल्ट। कितना यूनिट होता है इसका? वोल्ट। वोल्ट है भैया, ठीक है। आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं है कि हमें जब भी एक कूलाम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितनी ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा की हानि होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है वोल्टेज ड्रॉप। बहुत सिंपल है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।